ताज शाही न बादशाही ना शान शौकत रहेगी बाकी तमाम होगा हर एक फसाना मगर मोहब्बत रहेगी बाकी गाएंगी बुलबुले तराना चमन रहेगा न आशियाना मगर मोहब्बत रहेगी बाकी मगर मोहब्बत रहेगी बाकी रोशन सितारे की तरह दुनिया में रोशन है तकदीर लिखी गई और कलम खुश्क हो कातिबे तकदीर ने दो चार हुरूफ ऐसे लिख दिए हैं कि पढ़कर कांप गई कुछ हमें भी तो बताओ सलीमा अम्मा आतिशे इश्क वो है जिससे समंदर जल जाए एक शरर पत्थर में जाए तो पत्थर जल जाए आखिर तुम कहना क्या चाहती हो शीरीन नाम रखो पूरे 22 वर्ष तक शीर ही इसके खुराक शीर ही पिए और शीर ही से गुसल करे शायद इस तरह इसके मुकद्दर की स्याही तेजी से बदल जाए 8 वर्ष बीत गए लेकिन तकदीर के हाथ में शमशीर अब भी दिखाई देती शमशीर अब भी दिखाई देती है शीर नाम का शीर ही इसकी खुराक है शेर ही से उसकी करती फिर भी तकदीर की स्याही पर दूध ने कुछ असर ना किया अल्लाह हमें अजाब घर कब ले जाइएगा आज ही अभी चलो बेटा खुशामदेद शहजादी साहब हम तुम्हारा अजाब घर देखने आए हैं ये मेरी खुश नसीबी है आइए तशरीफ लाइए आइए तशरीफ लाइए बाबा ये खिलौना हमें दे दो ये बहुत बुरा है मैं आपको गुड़िया देता हूँ कौन है ये अंधा शिकारी मगर इसका तीर कभी खाली नहीं जाता हम इसे जरूर लेंगे शीरी जिद ना करो बेटी क्यों तड़प रहा है बाबा ये तीर आपसे नहीं निकलेगा ये तीर
उस समझे शिकारी ने मारा है। शरण की तकदीर में तीर खाना ही लिखा। ये लीजिए बुढ़िया। बाबा ये हिरन मैं लूंगी। झूठे सच्चे क्यों हो? इसलिए कि तुम्हें झूठे और सच्चे की पहचान नहीं है। हम भी इसे पत्थर का ही समझे थे। ये हिरन मेरे बेटे फरहाद ने पाला है। पापा ये हिरन हमें दे दो, हम तुम्हें बहुत सी अशक्तियाँ देंगे। ये सब कुछ आप ही का है शहजादी साहिबा। मैं अपना हरण नहीं दूंगा। हम इसे जरूर लेंगे। ये हरण मेरे बाबा ने थोड़े ही बनाया, तो तुम ले लो भी। दे दो बेटा, जरूरत पड़ने पर हम जान तक नजर कर सकते हैं। ये रोज घास खिलाना, हम तुमसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। जब मुझे इसकी याद आएगी तो तुम इसे देखने के लिए कभी कभी हमारे यहाँ आ जाया करना। कभी कभी तुम अपना हिरन देखने के लिए हमारे बागीचे में रोज आ जाया करना। हाँ चोर, किस तरह चुपके चुपके तुम्हारे पास आ गया? ये मेरा था, मेरे पास आ गया। ये मेरा कब बनेगा फरहाद? ये तुम्हारा ही नसीबी। दिल चाहता है मैं तुम्हें अपने तमाम खिलौने दे दूं। फरहाद तुम कितने अच्छे हो। जब तुम्हें यहाँ आने में देर लगती है तो ना जाने क्यों मेरा दिल धक धक करने लगता है। मैं भी तो सुबह यहाँ आ जाया करता हूँ और शाम होते ही चले जाते हो। ना जाने ये शाम इतनी जल्दी क्यों आ जाती है। तुम्हारी फूफी हर रोज शाम अपने साथ ले आती है और फिर वही उनकी आवाज, शीरी बेटी शीरी चलो शाम हो गई है। शीरी बेटी शीरी शाम हो गई, चिराग जल गए हैं। बेटा फरहाद जा, अब तुम भी अपने घर जाओ। फरहाद कल सुबह जल्दी आ जाओ। फिर आ जाएगी और तुम फिर चले जाओगे। ऐसे मत देखो खुदा के लिए। कैसे देखूं? कहीं मैं अपने आप को भूल ना जाऊं। कहीं और नहीं, तुम यही अपने आप को भूल जाओ। अब तो मर जाने को दिल चाहता है। खुदा करे आज शाम ना हो। बेटी शीरी शाम हो गई, चराग जल गए हैं। बेटा फरहाद जाओ, अब तुम भी अपने घर जाओ। सुना तुमने,
चराग जल गए हैं। जब हमारी दुनिया में अंधेरा हो जाता है तो दुनिया वालों की दुनिया में चराग जल होते हैं। फरहान, तुम्हारी तरह ये भी बच्चा था, मगर अब तुम दोनों जवान हो चुके हो। अब हरण को देखने के लिए फरहाद जनाना बागीचे में नहीं आ सकते। लेकिन फूफी जान, जवान तो हरण हुआ है, इसमें फरहाद का क्या कसूर है? हया इजाजत नहीं देती। लेकिन फूफी जान, अगर हरण फरहाद को एक दिन भी ना देखेगा तो मर नहीं जाएगा। शाही आबरू का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, मैं फरहाद हूँ। फरहाद ही तो अंदर नहीं जा सकता। क्यों? शाही हुक्म का जवाब शाह के पास होगा। क्या मैं अपने हिरन को एक नजर भी नहीं देख सकता? नजर की वजह से ही तो जनाना बागीचे में नहीं जा सकते। रहने के दिल ये पुकारे जान से प्यारे, तोड़ न देना देखे सहारे। रहने के दिल ये पुकारे जान से प्यारे, तोड़ न देना देखे सहारे। किसी ने ठीक कहा है,
रक्का सा रक्स करती हुई तलवार होती है। सुभान अल्लाह आलीजा, तहरान में एक ही नागन है जिसकी कमर के बल कोई गिर न सका। शाह दौरा आलम पन्हा, शाह तहरान की खिदमत आलिया में एक तैया बारियाबी की इजाजत चाहता है। उसे इज्जत के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। شاہِ تہران کی خدمت اقدس میں آداب و تسلیم۔ آپ کی تعریف؟ زمانہ مجھے شہریار کہتا ہے۔ ہم تہران آنے کا مقصد پوچھ سکتے ہیں؟ جہاں بنا انسان ازل سے پیدا ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن جب کبھی حسن انسان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے تو آدم کی اولاد خدا کو خدا ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ شہریار، ایسی کون سی صورت تم نے دیکھی جو تمہیں خدا ہونے کا ثبوت مل گیا؟ شیریں۔ شیریں؟ شاہ استنبول دختر نیک اختر، جہاں بنا زمانے نے تاریخ کے کئی ورق الٹ کر دیکھے، لیکن زمانے کی تاریخ اس شیریں کا جواب پیدا نہ کر سکتی۔ اس سمٹ کر شیریں بن گیا ہے۔ جان سے بچے ہوئے ٹکڑے پر خدا نے اپنی کاریگری کی سند پیش کی۔ شہزاد، شہزادی شیریں کی عمر کیا ہوگی؟ عالم پناہ، کل ہی اس کی 17ویں سالگرہ منائی جائے گی۔ اس تیری کافی جوانی جو اس پر آئی۔ شہریار، زندہ باد جہاں پناہ۔ کاش ہم اس 17 برس والے کی سالگرہ میں شریک ہو جائیں۔ عالم پناہ، غلام کی 40ویں سالگرہ میں شریک ہو کر مشکور فرمائے۔ شاکور، ہمارے ساتھ آؤ۔ شاکور، حضور، شیریں سچ مچ خدا کی مہربانی کا نام ہے؟ جہاں پناہ، میں نے شیریں کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے۔ تم نے ہمیں کبھی نہیں سنایا؟ دراصل مجھے انعام کی ضرورت نہیں تھی علی جا۔ شاکور، اس کلی کو حاصل کیا جائے گا۔ حضور، اس کلی کے آتے ہی گھر میں کلکل پڑ جائے گی۔ اس کا فکر تم نہ کرو، شیری سے ہماری ملاقات کا فکر کرو۔ اسی فکر سے تو حضور میں نے آپ کے سامنے آج تک کبھی شیری کا ذکر نہیں کیا۔ ہمارے حکم کی تعمیل ہو۔ سبحان اللہ، حضور کا حکم۔ حکم مجھے دیجیے۔ تم ہمارے لیے کیا کر سکتی ہو؟ شیری، آپ کی خواب کہاں میں داخل کی جائے گی۔ تمہارا انعام؟ میرا انعام وہ ہوگا جو میں مانگوں گی۔ جو مانگو گی وہ پاؤ گی۔
बेटे आज नौरोज है और तुझे इसकी भी खबर नहीं। मुझे आज शहजादे शीरिंग की खिदमत में ये तोहफा पेश करना है। अभी कितना काम बाकी है? सिर्फ जुल्फ का बल निकालना बाकी है। जुल्फ का बल ला, मैं निकाल दूं? नहीं अब्बा जान, आप तकलीफ न कीजिए, मैं ही ठीक कर लेता हूं। बेटे ये जुल्फ का बल निकलकर कहीं तेरी तकदीर में ना पड़ जाए। खुदा तुझे इस जुल्फ की बलदार गलियों से बचाए। अब्बा जान आप ऐसी दुआएं क्यों मांग रहे हैं? बेटे तुम जुल्फ से खेल रहे हो, तुम नहीं जानते ज्यादा बल खाने वाली नागन और ज्यादा बल खाई हुई जुल्फ दोनों का दशा पानी नहीं मांगता। खुदाया मेरे बुढ़ापे की जवानी को जुल्फ के जहर से बचाना। चिड़िया और जमीन पे तैरने वाली मछली लाया हूँ। बोलती हुई चिड़िया और जमीन पे तैरने वाली मछली पेश करो। तरक्की जाओ हशमत इकबाल बुलंद उम्र दराज साया खुदा का तेरे सर पर सदा रहे गुलशन तेरे जमाल का हर दम खिला रहे। कहाँ है वो बोलती चिड़िया? हुजूर का इकबाल बुलंद ये रही आपके कदम। हुजूर ये अदन की अंदलीब है, तूत ये हजार दास्तां है, इसकी रगों में खून नहीं पारा दौरा करता है, पहली रकासा है जिसके बदन में हड्डी नहीं, कमर के बल हुजूर गिन दे तो सुभान अल्लाह कनीब मुफ। जोर कीजिए। Thank you.
हुजूर कीमत मिल गई, शहजादी साहबा जिंदाबाद, पाइंदाबाद। उठो बेटा, उठो। ये लो बेटा, ये लो, अपने फर्ज को ना भूलना है बेटा। जाओ 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 जाओ। आज हम इस मुबारक दिन पर अपनी बेटी को ये जीता जागता तोहफा पेश करते हैं। शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? शमा। क्या ये जेवरात है तुम्हारे हाथ में? तुम तो शर्मा रही हो। उस कहानी को फिर कभी फुर्सत से सुनने का। सालगिरह मुबारक है शहजादी साहिबा। मुबारक है शहजादी साहिबा। मुबारक हो। जाओ परेशान बच्चे। मैं जानती हूँ हुजूर की उदासी, फिर भी ये जुर्रत कर रही हूँ। आज वे तोहफों को एक बार देख तो लीजिए, शायद दिल बहल जाए हुजूर का। हाँ, शायद इसी तरह वक्त गुजर जाए। तुम अपने साथ खुशी लेते आए? क्यों, इस पर भी पाबंदी? खुशी की हर बात पर पाबंदी है। क्या अच्छी बात है, तुम्हारे आने से पहले मुझे खुश करने के लिए हर नाकाम तरीका आजमाया गया, जबकि मेरी खुशी की कोई ताह नहीं है। तो डर रही हूँ इन सबकी नजरों से इस खुशी को कैसे छुपाऊं। हाँ। ये तुम्हारा है? हाँ, ये मेरी। क्या है ये? मूरत। किसकी? ये खूबसूरत की। देखो ये तो मेरा बुत है। हाँ, पत्थर के इंसानों को पत्थर की शीरी देकर मैं अपनी शीरी ले जाने आया। बादशाह सलामत बहुत गुस्से में और इधर आ रहे हैं। तेरे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब्बा हुजूर, ये तो देखिए फरहाद ने कितना खूबसूरत बुत बनाया है। ये शीरी का बुत। तुम्हारी गर्दन को साहिर तस्लीम कर रही है। शीरी का पुत बनाकर तुमने सरेआम हमारी तौहीन की है, हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। हम इसकी सजा जरूर देंगे। जल्लाद अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, उस भाग के हाथ काट डालो। आपका इंसाफ कुछ ठीक नहीं। मूर्त तो मैंने दिल से बनाई और सजा हाथों को दे रहे हैं आप। तुम्हारी सजा तो सिर्फ मौत है। सजा नहीं, इनाम कहिए। ले जाओ इस दीवाने को। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, खुदा के लिए माफ कर दीजिए। आपको मेरी कसम। चलो छोड़ दो इसे। Thank you.
काश मैं भी तेरी तरह पत्थर की होती। तुझे क्या मालूम आज क्या हो गया। आज फरहाद हमेशा के लिए खफा होके चला गया। अब वो कभी नहीं आएगा। तेरे सिवा कौन है मेरा। नजर से बचाए नजर से बचाए। जिंदगी से खफा हो सकता है, अपनी शीरी से नहीं।
आने दो, जाने दो। जाने दो फरहान, मेरी आरसू पूरी नहीं होगी, मेरी आरसू पूरी होकर ही मैं भी जीने में थी और दिल में दिलदर की तस्वीर छुपी। तुमने क्या देखा? सर में जाजत नहीं देती, मैंने आने वाली कल को देखा है, इसीलिए अर्ज कर रही हूँ कि फरहाद को हर मिखात में आने की इजाजत न दी जाए। हम सब कुछ समझ गए, फरहाद अब आइंदा महल में नहीं आएगा। मैंने आपको सोने से पहले जगाकर अपना फर्ज अदा किया। जहां पना, कमर ने कमान की सूरत अख्तियार कर ली है, आंखों की रोशनी मध्यम हो चुकी, अब मैं अपने आप को बेकार समझता हूँ। चाहता हूँ जहां बना इस गिरती हुई दीवार को खुशी से रुखसत अता फरमाए। हमें अजियत जरूर है, लेकिन तुमने हालात कुछ ऐसे बयान किए हैं कि इनकार की गुंजाइश नहीं रहती। आलीजा, मैंने फरहाद को इस काबिल बना दिया है कि वो आपको मेरी गैर हाजिरी महसूस नहीं होने देगा। बाप होने की हैसियत से नहीं, एक संगतराश और फनकार होने की हैसियत से मैं दावे से कहता हूं कि फरहाद को खुदा ने पत्थर को मोम करने की ताकत बख्शी है। हमें इकरार है, लेकिन फरहाद को अपने दरबार में जगह नहीं दे सकते। क्यों जिले इलाही? क्यों का जवाब देने के लिए हम तैयार नहीं। हर में खास में फरहाद का जाना मुझे साबित हो सकता है। ये आप क्या फरमा रहे हैं आलमपना? जो तुम नहीं समझ सकते, आज से फराज का दरबार या हरम से कोई वास्ता नहीं। आज से तुम्हारा दरबार या हरम से कोई वास्ता नहीं। आज से तुम्हारा दरबार या हरम से कोई वास्ता नहीं। आज से तुम्हारा दरबार या हरम से कोई वास्ता नहीं। आज से तुम्हारा दरबार या हरम से कोई वास्ता नहीं। आज आज तेरा दरबार यहाँ कोई वास्ता नहीं। आज आज तेरा दरबार यहाँ कोई वास्ता नहीं। दरबार यहाँ कोई वास्ता नहीं। दरबार यहाँ कोई वास्ता नहीं। कोई वास्ता नहीं। कोई क्या हो गया तुझे मेरे साथ? ये क्या हो गया तुझे? मोहब्बत जवानी को कीड़ा बनकर खाए जा रही है। मेरे मालिक, मेरे बच्चे को इस मर्ज से बचा। इश्क अल्लाह की रहमत है अब्बा जान, खुदा की बख्शिश को मर्ज न कहिए। बेटे,
इस शीरी का कलमा तू हर वक्त पढ़ता रहता है, वो तेरे नसीब में नहीं है। शाही और गदाई दरिया के दो किनारे, और दो किनारों का वसल कभी मुमकिन नहीं है। अब्बाजान, आप इश्क की ताकत से वाकिफ नहीं। इश्क के हुजूर में बादशाही और गदाई दोनों बराबर है। जिद न कर बेटा, मैं तेरी शादी का बंदोबस्त अपने कबीले की एक हसीन लड़की से कर चुका हूं। खुदावंद हुस्न तो शीरी है, फिर कोई दूसरा हसीन कैसे हो सकता है? लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं, वो तेरे इस पागलपन को देखकर क्या कहेंगे? जो मोहब्बत को पागलपन कहते हैं वो खुद पागल है। इश्क ने सचमुच तुझे अंधा बना दिया, पर मैं तुझे कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये ताकत तो सिर्फ शीरी में है। शीरी शीरी शीरी, हर वक्त कलमाई शीरी। शीरी का नाम फिर मुंह से निकाला तो जुबान खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींचेंगे आप? माही और मुर्ग, जंगली दरिंदे और आसमानी परिंदे, सबकी जुबान पर शीरी ही का नाम है। मेरे कानों से सुनिए। खुदाया, मेरे बच्चे को शफा दे, मेरी ही लाठी से मेरी कमर ना तोड़। शीरी डायन है जो मेरे बच्चे का खून पी जाना चाहती है। मेरे सामने मेरे ही खुदा बंदे हुस्न की तौहीन, मैं यहां नहीं रहूंगा। क्या हो गया बाबा? मेरी तकदीर फूट गई, घर के जराग ने घर फूट दिया, मेरा पागल हो गया है। पागल हो गया है, खतरा और भी बढ़ गया है। तुम्हारा कहना ठीक था, फरहाद का हरम खास में आना जाना अच्छा ना था। गुस्ताखी माफ, अगर हुजूर मुनासिब समझे तो शहजादी शीरी की शादी जल्द से जल्द किसी मुनासिब जगह कर डाले। हम खुद भी यही सोच रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मदद करूं? तुम क्या कर सकती हो? मैं साबित कर सकती हूँ कि उन्हें शहजादा खुसरू परवेज वाली तहरान से खास दिलचस्प है। क्या तुम सच कह रही हो? हुजूर खुद एक दिन अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमा लिए। हुजूर ने दोबारा कभी इस तस्वीर के बारे में दरियाफ्त नहीं फरमाया कि वो क्या रंगीन दास्तान है। हाँ, क्या है वो, अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये है वो रंगीन दास्तान। ये एक बहुत बड़ा जादूगर है। जादूगर है? कौन है, क्या नाम है उसका? तस्वीर अपने हाथ में लीजिए और जब मैं कमरे से बाहर जाऊं तो ये सवाल तस्वीर से कीजिए। क्यों जी, आप कौन है? तस्वीर खुद बहुत बोलेगी, हमें बेवकूफ बना रही हो। तस्वीर भी कभी बोलती है? यकीन न हो तो आजमा लीजिए। ये रही तस्वीर, मैं बाहर जाती हूँ। देखिए, तीन बार सवाल कीजिएगा। क्यों जी, क्या नाम है आपका? मैंने पूछा, क्या नाम है आपका? जो कुछ मैंने आपसे अर्ज किया था खुद अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और कीजिए, इश्क किस दर्जे तक पहुंच चुका है।
तीसरी बार पूछ रही हूँ, क्या नाम है आपका? शाह खुसरू परवेज, बालिये तहरान है इनका नाम। नहीं पुप्पी जान, ये तो जादूगर है। हुस्न भी एक जादू है और ये तो जादूगर है ही, कितना खूबसूरत है। सुना है कुछ आपने उस फरहाद के बारे में? क्या हुआ फरहाद को? अब्बा हुजूर, क्या हुआ है फरहाद को? फूफी जान, क्या हुआ है फरहाद को? शमा, तू ही बता क्या हुआ है फरहाद को? शमा, आई हुजूर। मेरे मालिक, तू ही बता क्या हुआ है मेरे फरहाद को? शहर की हर गली का हर घर में चर्चा है कि फरहाद पागल हो गया है। जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द शीरिंग की शादी शाह खुसरू परवेज से करें। खुसरू परवेज, वाली तहरान? जी हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। हमारी एक शर्त है। वो उसे भी दिलो जान से कबूल करेंगे। जब तक शीरी के महल में दूध की नहर न जारी होगी, शीरी निकाह में नहीं आएगी। शाह खुसरू परवेज की चाहत के सामने ये शर्त कोई हैसियत नहीं रखती। आप आज ही कासिद रवाना कर दें। शीरी का इस्तांबुल में ज्यादा ठहरना अब ठीक नहीं है, कहीं आपकी आबरू को दाग ना लगे। हम आज ही कासिद रवाना किए देते। शाह परवेज से हमारा क्या रिश्ता है? सुभान अल्लाह, आप मलका तहरान हैं? ये भी जानते हो कि शाह आजकल खोए खोए से रहते हैं? जी जी हाँ, किसी हद तक बेचैनी उन्हें जरूर है। तो फिर तुम ये भी जरूर जानते हो कि वो क्या राज है इसने शाह को वीरान सा बना रखा है? हुजूर, मैं कुछ नहीं समझा। आपकी जूतियों की कसम, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम झूठ कहते हो। हुजूर, शाहपुर दावे के साथ कहता है कि उसने आज तक झूठ नहीं बोला। लेकिन अब बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कत्ल कर डालिए, मगर इल्जाम ना लगाइए। अगर तुम शाह को किसी उलझन में डालने में शरीक हुए तो हम कत्ल करना भी जानते हैं। भाई बाप, ऐसा ना कहिए, कत्ल कर डालिए मगर कत्ल की धमकी ना दीजिए। मेरा खून हो गया तो इस दुनिया में एक सच्चे की कमी हो जाएगी। आधा बर्द है। हुजूर, ये रहा मेरा अमामा, ये रही मेरी तलवार, ये रहा मेरा कमरबंद, और ये रहा आपका शाही चोगा। कदम बोसी के बाद मुझे रुख्सत अता फरमाइए। कहाँ जा रहे हो? अगर आपने मुझे रुख्सत नहीं किया तो मैं इस दुनिया से रुख्सत हो जाऊंगा। क्या बकते हो? हुजूर, मलका साहबा का कहना है कि अगर तुम किसी भी साजिश में शरीक हुए तो कत्ल करवा दिए जाओगे। डरते हो? हुजूर, मैं मौत से नहीं डरता, कत्ल से डरता हूँ। वो कौन सी साजिश है जिसमें तुम शरीक हो? साजिश ये है कि एक म्यान में दो तलवारें रखने में आपका शरीक हूँ। हम जितनी चाहें शादियां कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, आहिस्ता बोलिए हुजूर, कहीं बेगम साहिबा ने सुन लिया तो मैदान यही गर्म हो जाएगा। हमारे मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन आपकी बेगम साहिबा तो दखल दे सकती हैं। ये सल्तनत भी तो आपको उनके वालिद की तरफ से मिली हुई है। हम हुकूमत वापस कर देंगे, मगर करेंगे वही जो हम चाहेंगे। सुभान अल्लाह, अगर इरादा इतना ही पुख्ता है तो हम भी कत्ल के लिए तैयार हैं। हुजूर की खिदमत में इस्तांबुल से कासिद आया है और ये शाही पैगाम लाया है। ज़हे नसीब। कासिद से कह दो कि वो शाही मेहमान खाने में जवाब का इंतजार करे। क्या लिखा है हुजूर? शमा कामयाब हुई,
उसने फूफी को राजी कर लिया, जिसने अपने भाई यानी कि शीरिन के वालिद की मर्जी से ये लिखा है कि आप पूरे बंदोबस्त के साथ तशरीफ लाइए। आज हम बहुत खुश हैं शाहपुर, हमारे कत्ल का सामान हो रहा है और आप खुश हैं। तैयारी कैसे की जाए? मुझे तो आज तक ससुराल जाने का मौका ही नसीब नहीं हुआ, भला मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। क्या क्या नजराने पेश किए जाए? ये बात की बात है हजूर, पहले ये सोचिए कि मलका साहिबा को क्या कह के जाइएगा। औरत मोम की नाक होती है, तुम उसका फिक्र ना करो। हम ईमान बेचकर भी शीरी को हासिल करने की तमन्ना रखते हैं। सुभान अल्लाह, गुस्ताखी माफ हुजूर, बेईमान का अंजाम बुरा ही देखा है। तुम तैयारी करो, हम बहुत जल्द जाना चाहते हैं। ये भीगी हुई पलके, ये आंसुओं से भरी हुई आवाज, इस तरह मायूस होकर रूह को मौत के हवाले न कीजिए। मैं तन्हाई चाहती हूँ। पत्नी तन्हाई, आप तो तेल का काम करती है, जल जाने दो मुझे। आज रात क्षमा आपको फरहाद से मिलाएगी। क्षमा, फरहाद, मोहब्बत को बेनकाब कर दिया तुमने। शीरी, शीरी, फरहाद, मेरे महबूब, इस तरह तुम मर जाओगे। अब तो मर भी गए इस इश्क, तो कोई गम ना होगा। अब तो खुद को आसमाने को जी चाहता है। खुदा के लिए फरहाद, ऐसी बातें ना कर, मैं बहुत थक गई हूँ तुम तक पहुंचने की कोशिश में। अब किसी और को भी मिल जाने का। किसे? इन पलकों को, जब से हम जुदा हुए हैं तभी से ये भी। सो जाओ। नहीं, तुम चले जाओगे, वो लोग तुम्हें उनसे छीन कर ले जाएंगे। मौत के सिवा तुमसे मुझे और कोई नहीं छीन सकता, पर मौत इतनी देर है। सो जाओ। आंखें बंद नहीं करती, तुम्हें देखना चाहती है। तो मुझे भी आंखों में बंद कर लो। मैं जानता था कि मैं खूबसूरत बेटी का बदनसीब बाप हूं। तकदीर वो दिन दिखाने वाली है जबकि मेरी पगड़ी तेरी ठोकर से मेरे सर से उतार दी जाएगी, लेकिन इसलिए खामोश था
कि तू एक बादशाह की बेटी है, तेरी नजर किसी फकीर या दीवाने तक न पहुंचेगी। उस दीवाने को तुम्हारी जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। अब्बा हुजूर, खुदा के लिए ऐसा न कीजिए, कसूर मेरा है। कसूर उसका है जिसने चुल्ली और दूध पीकर परवरिश पाई और उसी परवरिश करने वाले को ही दफ किया। सांप का जिंदा रखना मेरे मजहब में हराम है। वो तो पहले ही मर चुका है, खुदा के लिए उस पर रहम कीजिए। रहम? रहम किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तेरी शादी हम जहां भी तय करना चाहे बगैर किसी हिल हुज्जत के तुम्हें कबूल होगी। दीवाने को तो काली में शहर बदल दिए देता और साथ ही तेरी डोली की तैयारी का हुक्म भी। मंजूर है? फरहाद की जान बख्शी जाए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर। आलम पनाह, कम सिनी से बुढ़ापे तक पूरे 60 वर्ष शाही खिदमात पर अंजाम दी हैं। इनको पेश रखते हुए अर्ज करता हूं कि मेरे सफेद बालों की फैली हुई झोली में फरहाद भीख डाल दे। शाह ने हमेशा रहम किया है, आज भी सही बनकर इस बूढ़े की दिली दुआएं लीजिए। अपने बेटे की करतूत जानते हो? इसने चांद आसमान से तोड़ लाने की कोशिश की। आलम पनाह दीवाना है। यह हमारी दुनिया में अंधेर कर देना चाहता था। दीवाना है, पागल है, इसलिए हम उसकी जान बख्शते हैं और तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए हम उसे शहर बदर का हुक्म देते हैं। चला वतन। रहम आलम पनाह, रहम। शाह, मेरी आंखों में पानी नहीं है, इन खुश्क आंखों पे रहम खा, इन झुर्रियों पे रहम कर जिनके पीछे मौत मुस्करा रही है। मेरे आका, मेरी मौत को खराब ना कर। चिराग बुझ गया तो जिंदगी के रास्ते मेरे लिए तारीख हो जाएंगे। मैंने फरहाद की शादी का बंदोबस्त अपने कबीले की एक लड़की से किया है। आलम पनाह, मेरा बाप झूठ कह रहा है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक के बाद दूसरी शादी करना हराम समझता हूँ। किससे तुम्हारी शादी हो चुकी है? आलम पनाह, ये कहकर मैं उसकी शादी में रुकावट बनना नहीं चाहता। सुन लिया बूढ़े, इंसाफ तो ये कहता है कभी इसके टुकड़े उड़ा दिए जाए। चल्ला रहम आलम पनाह, रहम। शमा, आलम पनाह, हुजूर शहजादी साहबा फरमाती हैं कि आपने उससे जो वादा किया है उसे फरामोश न कीजिए। ले जाओ इस दीवाने उस्ताद को और इस संबोल की हद से बाहर कर दो। जा, आलम पनाह। ले जाओ। आलम पनाह, बादशाह हुजूर परवेज वालिये तहरा वारियाबी की इजाजत चाहते हैं। वैसे तो आपको हमारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन शीरी उस वक्त तक निकाह में नहीं आएगी जब तक उसके महल में दूर की नहर न जारी होगी। आप पूरा पूरा इत्मीनान रखें, मैं इस शर्त का ख्याल रखूंगा। बच्ची मेरी रूह है खुसरू परवेश, हमने उसे बड़े नाजों से पाला है। मैं ईमान की तरह शीरे की हिफाजत करूंगा। अब रुख्सत अता फरमाइए। अगर दोबारा इस्तंबोल में दिखाई दिए तो याद रखो, तन से रूह और बदन से हड्डियां अलग कर दी जाएंगी, समझे? और तुम भी याद रखो, अगर मैंने अपनी सरहद में तुम्हें दोबारा देखा तो तन से रूह और बदन से हड्डियां अलग कर दूंगा, समझे? पागल है पागल।
अरे भाई, ये किसका सफीना डूबा जा रहा है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? शीरी आज बेवतन हो रही है। क्या कहा? उसरो परवेज उसे अपनी बेगम बनाने के लिए तेहरान लिए जा रहा है। मैं के दिन तेरी जुबान पर अंगारे रखे जाएंगे। अम्बख्त शीरी पर इल्जाम लगा रहा है। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। अगर वो तेहरान पहुँच गयी तो कयामत तक दीदार न हो सकेगा। Yeah!
वक्त की राय यही है कि शहजादी शीरी को वक्ती तौर पर इस लाल महल में ठहराया जाए। वैसे भी शाही महल में मलका मरियम मौजूद है, और फिर शहजादी शीरी के वालिद की शर्त, दूध की नहर पहले जारी होगी तब शीरी महल में दाखिल होगी। ठीक है, तुम यहाँ का बंदोबस्त करो, हम मलका मरियम की तरफ जाते हैं। दो ही लफ्जों का था ये अफसाना, जो सुना कर खामोश हो बैठा। इब्तिदा ये कि तुमको पाया था, इंतहा ये कि खुद को खो बैठा। निजात मिल जाती जैसे उस हिरन को मिल गई है। दीवाना कहीं का? दीवाना तू है। पूछ क्यों? अक्सर दीवाने मुझे दीवाना कहते हैं। कौन तुम? मैं कौन हूं? हाँ। इस वीराने का बादशाह। तुम कौन हो? शाह फिरोज, वाली सिस्तान। वाली सिस्तान? ओ तो वाली सिस्तान, एक बात तो बताओ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कदरिया कहता है कि शीरी तहरान पहुंच गई है, क्या ये सच है कि खुसरो परवेज शीरी की तस्वीर से अपने महल से जाना चाहता है? दीवाना है। यही मेरा भी ख्याल है, कदरिया दीवाना है। ये शीरी कौन है? फिर पूछो। शीरी कौन है? फिर
पूछो। पगले शीरी कौन है? पगले फिर पूछ शीरी कौन है। मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे सागर से बचाओ। मुझे देखकर भाग गया। बुढ़िया कौन है ये? नाम तो फरहाद है लेकिन चलती फिरती फरियाद। दीवाना से क्यों दिखाई देता है? मोहब्बत ने इसके सर पर ताज रख दिया है। ओ तो इसे शीरी से मोहब्बत है? शीरी को भी अपने फरहाद के नाज। शीरी शाह इस्तांबुल की दुख्तरी नेक अख्तर। आजकल वो खुसरो परवेज की नजरों का तारा बनी हुई है। खुसरो परवेज? वो तो मेरा दामाद है। वही दो दिलों के लिए दोधारी तलवार बन गया। हमारे होते हुए ये जुल्म नहीं हो सकता। बादशाह तकदीरें लिखी गई और लिखने वाले ने कलम रख दिया। हम फरहाद की तकदीर बदल देंगे। फरहाद आओ हमारे साथ। कहा तुम्हें शीरी मिल जाएगी। कहाँ जा रहे हो फरहाद? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? और मैं क्यों बताऊं कि मैं तेहरान जा रहा हूँ शीरी के पास? अब्बा जान का मकतूब आपके नाम। खैरियत? आपकी खैरियत दरियाफ्त की है, पढ़ लीजिए। आपके वालिद को फरहाद की हालत पर तरस आ गया है। फरमाते हैं कि फरहाद का दिल तोड़कर अगर तुमने शीरी से शादी की तो इसका अंजाम अच्छा ना होगा, क्योंकि शीरी फरहाद की अमानत है। मेरे ख्याल में फरहाद और शीरी की बद्दुआ ना लीजिए। हमारे इरादों को कोई नहीं बदल सकता। फरहाद से शादी करके शीरी कैसे खुश रह सकती है? कहां एक मलके हुस्न और कहां एक दीवाना। इश्क हमेशा दौलत को ठुकराता आया है। हम मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन आपको मानना पड़ेगा कि जिस मोहब्बत को ताज वाले बादशाह नहीं खरीद सकते, इश्क के बेताज बादशाह उसे मुफ्त पा लेते हैं। मर जाएगी झापना। वो पूरे एक दिन और दो पहर से भूखी है। हाँ, ना उसने कुछ खाया है ना पिया है और ना ही शीर से गुसल किया है। गुस्सा किस बात का है? कहती है जब तक दूध की नहर महल में ना आएगी मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। परवरदिगार दूध की बारिश कर दे। अगर दूध की नहर ना निकली तो शीरी से पहले हम जरूर मर जाएंगे। समा तुमने हम पर काफी एहसान किया है। शर्मिंदा न कीजिए जापना। यह भी तुम्हारा एहसान होगा। शीरी को हमें करीब से दिखाओ। आप महल में तशरीफ लाइए। मलिका की नजरों से बचकर महल तक पहुंचना मुश्किल है। कहीं महल से बाहर। बहुत अच्छा, आपकी खुशी के लिए ये भी होगा, मगर मेरी खुशी का ख्याल जरूर रखिएगा। अलमपना, खबर मिली है कि फरहाद तेहरान पहुंच गया है। तेहरान पहुंच गया है? खतरा और भी बढ़ गया हुजूर। फरहाद जहां भी हो जिस हाल में हो हमारे सामने पेश किया जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या? सुभान अल्लाह, जरूर हाजिर होगा। शीरी,
मैं आ गया हूँ शीरी, मैं आ गया हूँ। ये तेरा शहर है, ये तेरी बस्ती के लोग हैं। बड़े ही खुश नसीब हो मेरे भाई, मेरे खुदा ने आकर तुम्हारी बस्ती को आबाद कर दिया। तुम कौन हो मेरे भाई? आप किसे पूछ रहे हैं भाई? मैं कौन और मैं किसे पूछ रहा हूँ? अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो फरहाद पागल है, पागल। कौन? फरहाद दीवाना? फरहाद सौदाई? फरहाद, 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 मैं फरहाद नहीं हूँ, मैं सौदाई, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ। किसका? मैं शीरी का दीवाना हूँ। शीरी कमबख्त शीरी को बदनाम करता है। शीरी मेरे खुदा, और खुदा का नाम लेना पता मिले। खामोश, बारा शीरी का नाम लिया जबान खींच लूंगा। शीरी शीरी मेरा शीरी है, मेरा अंजाम शीरी है, मुझे फरहाद क्यों कहते हो? मेरा नाम शीरी है। ये तो पागल है, दीवाना है। और ऐसे देते हैं गम निशानियाँ, कब तक रहेंगे प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। राहे वफा में लुट गए कितने दिलों के काफिले, राहे वफा में लुट गए कितने दिलों के काफिले, मंजिल पे आके और भी बढ़ते रहे हैं फासले। बर्बाद होके रह गई, बर्बाद होके रह गई हर माँ भरी जवानियाँ, कब तक रहेंगी प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। Thank you.
जितने खुशी के ख्वाब थे सब आंसुओं में ढल गए, गुलशन में रह गया है क्या तिनके से चार जल गए, तिनके से चार जल गए। था मेरा आशिया कहा, था मेरा आशिया कहा, मिलती नहीं निशानियां कब तक रहेंगे प्यार पल, दुनिया की मेहरबानियां खुशियों को लूट कर यहाँ। आवाज दे मेरी खुदा, इंसाफ है कहाँ तेरा, जल जाएगा जहाँ तेरा, मिट जाएगा निशान तेरा, मिट जाएगा निशान तेरा, फरियाद बन गई अगर, फरियाद बन गई अगर, उल्फत की बेजुबानियां कब तक रहेंगी प्यार पर, दुनिया की मेहरबानियां खुशियों को लूट कर यहाँ। देते हैं हम निशानियां कब तक रहेंगी प्यार पर, दुनिया की मेहरबानियां खुशियों को लूट कर यहाँ। रूह का हर दिन परेशानी में गुजरता है, मैं आपके कुछ काम आ सकती हूँ? दिल बहुत उदास है सरपंच, यूं मालूम होता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए, आपकी बेचैनी मुझसे नहीं देखी जाती, दरअसल आपको सुकून की जरूरत है। मेरे नसीब में सुकून का? सुना है 900 साल पहले का यहाँ एक पुराना मजार है, शमा का कहना है कि आपको सुकून वहीं मिल सकता है। सुकून मिलेगा, आप चलकर तो देखिए। बड़े ही बेरहम है तेरे शहर के लोग, तू बात ही रह गया है ना, ले मार ले। नहीं बाबा, मैं मारने नहीं आया, मैं तो ये पूछने आया हूँ तुम इतने परेशान क्यों, क्या चाहते हो? दीदार। दीदार? दीदार क्या होता है? ये जो बेचैन आंखें हैं ना, इसी का जलवा देखना चाहती है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम बहुत थक गए हो ना, आओ मेरे साथ बाबा के मजार पर, वहां तुम्हें सब आप कुछ मिल जाएगा। सब कुछ? हाँ, मैं वहां रोज जाता हूँ और मुझे रोज खाना मिल जाता है। आओ मेरे साथ। आंखों में तुम्हारे जलवे हैं, आंखों में तुम्हारे जलवे हैं, होठों पे तुम्हारे अफसाने, आंखों में तुम्हारे जलवे हैं, होठों पे तुम्हारे अफसाने।
मेहताबी ये दिल से तंग आकर पहुँचे हैं यहाँ तक दीवाने, मेहताबी ये दिल से तंग आकर पहुँचे हैं यहाँ तक दीवाने, आंखों में तुम्हारे सहारा बेकसों का है यही इंसाफ का घर है, कोई भी हो यहाँ पर मर्तबा सबका बराबर है। यहाँ से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है ये वो दर है, तकदीर के कब तक जुल्म सहे तुमसे न कहे तो किसे कहे, तुमसे न कहे तो किसे कहे, ये दर्द मोहब्बत क्या शह है, ये दर्द मोहब्बत क्या शह है, बेदर्द जमाना क्या जाने, ये दर्द मोहब्बत क्या शह है, बेदर्द जमाना क्या जाने, आंखों में तुम्हारे तुम्हारे आस्ताने से न हम नाकाम जाएंगे, गुजरती है जो इस दिल पर वो रो रो कर सुनाएंगे, तुम्हारे दर पे आ जाए हैं हम ये फैसला करके, यहीं मर जाएंगे हम या मुरादें अपनी पाएंगे, या दिल की कली अब खिल जाए या खाक में हंसी मिल जाए, या खाक में हंसी मिल जाए, ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, जल कर ही रहेंगे परवाने, ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, जल कर ही रहेंगे परवाने, शम्मा तेरे
कौन हो तुम? अब तो इसकी भी खबर नहीं रही। तुम्हारा नाम? पहले फरहाद था, अब शीरी है। जानते हो तुम्हें दरबार में क्यों हाजिर किया गया है? क्यों? शीरी को रुस्वा करते हो? हाँ? खुद ही खुद को रुस्वा कर लो। मैं इतना दीवाना नहीं हूं। ये गिरे हुए लालो गौहर, ये बिखरा हुआ हुस्न और चांदी सोने के सब सिक्के ले लो और एक सौदा हमसे करो। क्या? फकीर हूं, सौदागर नहीं। तुम एक बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हारे पास एक मोती है जिसे हम अपनी अंगूठी का नगीना बनाना चाहते हैं। क्या? मैंने नाम, इज्जत और जिंदगी बेचकर एक मोती खरीदा है जिसे शीरी कहते हैं। वही हम हर कीमत पे तुमसे खरीद देना चाहते हैं। बादशाह, दीवाना हूँ, खाली जेब और फटा हुआ गिरेबा मेरी जागीर सही, मगर तेरे दरबार में वफा बेचने नहीं आया। हम शीरी के बदले तेहरान की हुकूमत, अपना ताज और ये तख्त दे सकते हैं। वो कोई और फरहाद होगा जो अपना खुदा बेचता है। भूलो नहीं, हम हर तरह तुमसे शीरी ले सकते हैं। बादशाह, अकेले की तौहीन न कर, मेरी दीवानगी का मजाक न उड़ा। अगर तूने दोबारा शीरी का जिक्र मुझसे किया तो अपने गरेबा की तरह तेरा गरेबा भी झाग कर दूंगा। करो। आलम बना, ये सर इसका अपना थोड़ा ही है, ये तो इसे किसी की नजर कर चुका है। सुभान अल्लाह, आशिक हो तो ऐसा हो। हम तो तुम्हें आजमा रहे थे। आजमा लिया तो फिर जाऊं? तुम्हारे सोने में खोट नहीं। ताज्जुब है कि तुम्हें खबर ही नहीं, शीरी चार दिन से भूखी प्यासी। बादशाह, जिनके पास खून दिल और लख्त जिगर मौजूद हो वो भूखा प्यासा नहीं। शीरी का कहना है कि जब तक दूध की नहर महल में नहीं आएगी तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। उसका यह भी कहना है कि फरहाद ही नहर निकाल सकता है क्योंकि उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत है। तो क्या तुम नहर निकालकर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगे? मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए नहीं, हुक्म मानने के लिए तैयार हो। तो तुम शीरी की जुबान से नहर जारी करने का हुक्म सुनना चाहते हो? यही आखिरी आरज़ू है। फरहाद को गुस्ल कराया जाए और अच्छी पोशाक पहनाई जाए। आदमी मालूम होते हो? मैं अब अपने आप को दीवाना समझता हूं। आओ हमारे साथ। कहां? शीरी अपनी जुबान से तुम्हें नहर जारी करने का हुक्म देगी। शीरी? मेरे मालिक, फिर तेरा एहसान है, आज फर्श अर्श से मिलने जा रहा है। शाहे दारा मशमत पना वालिये तेहरान तशरीफ ला रहे हैं। हम आदाब पेश करते हैं। इसलिए हम आपकी मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुए हैं।
खुदा का शुक्र है। आप कब तक ही भूखी प्यासी रहेंगी? जब तक लगते दिल और खूनी जिगर मौजूद है। शायद आप नहीं जानती, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी का चिराग बुझकर रहेगा। माफ कीजिए, आपने यहां आने की जहमत क्यों दी है? एक शख्स नहर जारी करने का वादा करता है। कौन है वो? तो वक्त से पहले खुदा को अपनी जिंदगी लौटा देना चाहता है। फरहाद आदाब पेश करता है। खुदा बंदे हुस्न, आप इसे जानती हैं? ये फरहाद नामी संग तराश है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये आपसे नहर जारी करने का हुक्म सुनना चाहता है। यूं क्यों नहीं कहती कि अपनी मौत का हुक्म सुनना चाहता है? तुम क्यों मरना चाहते हो? खुदावंदे हुस्न, आशिक मरकर जिंदा होते। मरने की बातें न करो। मेरे आका, फरहाद पर भरोसा रखिए। इश्क अगर सादिक है तो पहाड़ रुई बनकर रोएगी। ये बाद में देखा जाएगा, पहले ये बताओ कि दाम क्या लोगे? कोहकन हूँ बादशाह, सौदागर नहीं। पहाड़ अगर कट गया तो सोच समझकर इंसाफ कर देना। जाओ, जो मांगोगे वो पाओगे। मेरी तकदीर की तरह फिर तो नहीं जाओगे? हम शीरी को गवाह करके कहते हैं, जो मांगोगे वो पाओगे। जब मेरा खुदा मेरा गवाह तो मुराद मेरी झोली में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शायद आप ये भूल रही हैं कि आप हमारी मंगेतर हैं। क्या ही वकार का आपको ख्याल रखना चाहिए, और ये भी ख्याल रहे कि दुनिया के हर वो शय जिसे हम चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। अरे दीवानी का मैं अकेला पहाड़ खोदकर दूध की नहर शीरी के महल तक जारी कर दूंगा। वालों क्या मिटा
मोहब्बत को मिटाने वालों। हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। पिघल जाते हैं पत्थर मोहंदर, पिघल जाते हैं पत्थर मोहंदर, सिमट जाते हैं कतरे में समंदर, मोहब्बत छेड़ती है जब तराना, मोहब्बत छेड़ती है जब तराना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। उड़े तो चांद तारे तोड़ लाए, उड़े तो चांद तारे तोड़ लाए, गिरे तो आग पानी में लगाए, बनाए बिजलियों पे आशियाना, बनाए बिजलियों पे आशियाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। मोहब्बत मौत से भी क्या मरेगी, मोहब्बत मौत से भी क्या मरेगी, जमाने से मोहब्बत क्या डरेगी, के इसकी ठोकरों में है जमाना, के इसकी ठोकरों में है जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। जीने भी नहीं देती, मरने भी नहीं देती तेरी याद। मैं फरहाद के बारे में अर्ज कर रहा हूं हुजूर, वो ना खाता है ना पीता है ना सोता है, दिन रात पहाड़ों से टकराता रहता है। क्या कह रहे हो साहब? मैं सही अर्ज कर रहा हूं हुजूर, वो लोग जो उसे दीवाना कहते थे उनकी जुबानें बंद हो चुकी है, वो लोग जो उसका मजाक उड़ाकर हंसा करते थे खामोश हो चुके हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आधे से ज्यादा पहाड़ कट चुका है, नामुमकिन मुमकिन नजर आने लगा है हुजूर। हम मानने के लिए तैयार नहीं, तुम खुद जाकर वाकयात का पता लगाओ और जल्द से जल्द हमें आगाह करो। जो आलमपना। सुन ले तू मेरी सना, रो रो के मेरी मोहब्बत तुझको पुकारी है। आजा आजा
सुन ले तू मेरी सदा, रो रो के मेरी मोहब्बत, तुझको पुकारे हैं आजा आजा जाने बसा। शिरी शिरी मेरी जिंदगी, मैंने तुम पर जुल्म किया, मैंने तुम पर जुल्म किया मुझ पर। हाँ तुम अपने ऊपर कैसे? ये देखो, और ये भी तो देखो, ये तो बने ही इसलिए है। और ये बनना चाहते? नहीं नहीं, हर किस में मेरी तकलीफ का बहुत ख्याल है, तो और जल्दी करो, चोट तो हाथ में पर आई है पर दिल को बहुत सुकून है, जब नहर निकल आएगी मिल जाओगे, और तुम मिल जाओगे तो जिंदगी मिल जाएगी, जब मेहर निकल आएगी तो तुम मिल जाओगे, और तुम मिल जाओगे तो जिंदगी मिल जाएगी। जान के लिए रोने वाला बच्चा और शीरी के लिए रोनी सूरत बनाने वाला शाह तहरान, दोनों में कोई फर्क नहीं। फर्क तुम्हारे नजदीक ना होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा मजबूर है, चांद को पा नहीं सकता, हम बादशाह हैं, हमारी जिद पूरी होकर रहेगी। बंदा पर्वत कथा कलामी मुआफ खाकसार आदावर पेश करता है, शाह आलम शाह सुर्खो परवेज के सुखर, शाह खुसरो परवेज के खुसर, हुजूर हाथ के सुसर शाह फिरोज वालिये सीस्तान तशरीफ लाए हैं। अब बजा ये कबाब में हड्डी कहां से आ गई? खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, शायद आपको समझाने आए हैं। तो क्या हम बेसमझ हैं? हुजूर को बेसमझ समझना और शेर की मूछ से मजाक करना एक ही बात है। माफ कीजिए, मेरे आने का मकसद कुछ और ही था, खबर मिली है कि पल की पल में नहर महल तक पहुंच जाएगी। नहर निकल आई है? कैसे? ये बात मेरी समझ से तो बाहर है, शायद हुजूर की समझ में आ जाए। शाहपुर बंदा नवाज, अगर नहर निकल आई तो फरहाद इनाम में शीरी ही मांगेगा। तो क्या शीरी हमारे हाथ नहीं आएगी? जो हाथ आके हाथ नहीं आई वो अब क्या हाथ आएगी? अगर हम फरहाद को शीरी देने से इनकार कर दें तो हुजूर को शीरी बेईमान और बेइंसाफ समझकर नफरत करने लगेगी। और अगर हम फरहाद को कत्ल करवा दें तो? सुभान अल्लाह, शीरी भी खत्म हो जाएगी और हुजूर का हश्र में मुंह काला हो जाएगा। बेअदब बदतमीज आलमपना, गुस्ताखी मुआफ, होने वाली बात अर्ज कर रहा हूं। हम इस काम के लिए तुम्हें मुकर्रर करते हैं। रहम मेरे आका, तुम अपने बादशाह का हुक्म नहीं मानते? बादशाह का हुक्म खुदा के फरमान के बाद है। बकवास बंद करो, जो हम चाहते हैं तुम्हें करना ही होगा। मैं ये गवारा कर सकता हूं कि दर बदर की ठोकरें खाता फिरूं, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी बेगुनाह के खून से अपने कफन को रंग लूं। मुझे रुख्सत अता फरमाइए हुजूर। तुम हमारी ताकत को नहीं जानते, हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। शायद आप इश्क की तासीर से वाकिफ नहीं,
अच्छा आग से खेलने की कोशिश ना करो, ये न भूलो कि दिल जलों के नाले अर्श हिला देते हैं। बेगुनाह का खून आपको खून के आंसू रुलाएगा। अभी भी वक्त है, आप अपने नापाक इरादों से बाज आइए। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। तुमने हमारा नमक खाकर हमसे गद्दारी की है, तुम दोजख में जाओगे। जहां बना मैं दोजखी हूँ, लेकिन खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं। चले जाओ। कौन? क्षमा? नहीं, मौत। मौत इसकी? फरहाद की। क्षमा, क्षमा इस वक्त फरहाद की मौत की हमारी जिंदगी है। मैं आपको जिंदगी और खुशी दोनों दे सकती हूँ। कहती हो क्षमा? इससे पहले कि मेहर सूर्य के महल तक पहुंचे, फरहाद दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। तुम्हारा एहसान हमें खरीद देगा क्षमा? नहीं जाना, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। दोबारा वादा कीजिए मेरी छोड़ी भर दी जाएगी। हम वादा करते हैं। खुदा बड़ा कारसाज है, उसकी रहमत से तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। ओहो, खुशो परवेज वाली इत्तेहाम। माफी चाहता हूँ, तबीयत कदर नाचाज थी, इस्तकबाल न कर सका। हमारी मान लो, हम समझेंगे कि दिली इश्तियाक से तुमने हमारा इस्तकबाल किया। फिर शायद तुम्हें हमारा खत नहीं मिला। पढ़ा मैंने, आपकी हमदर्दी मुझसे होनी चाहिए थी। और खुदा ये न भूलो कि दिल टूटते हैं तो आसमान से बिजलियां बरसती हैं। दिल तोड़कर बिजलियों को आवाज न दो, आसमान अगर टूट पड़ा तो जमीन तुम्हें जगह नहीं देगी। एक बाप कब कहेगा फिर उसकी बेटी पे कोई सौकन आ जाए। फरहाद शीरी का आशिक सादिक है, शीरी भी फरहाद को अपनी जिंदगी समझती है। शीरी से फरहाद को जुदा ना करो, खुदा का कहर जोश में आ जाएगा। भी आवाज लाठी को आवाज न दो, इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे दामाद हो। आप मुझे बेइंसाफ समझते हैं। तुम खुद को क्या समझते हो, आशिक या शौहर? शौहर तो तुम हो, मोहब्बत के मानी नहीं समझते, इसलिए तुम आशिक बनी नहीं सकते। मैं सिर्फ इंसाफ पसंद हूं। अगर नहर निकल आई तो वादे के मुताबिक फरहाद को मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। Thank you.
और मेरी शीरी से कह दो कि शीरी फरहाद की है, शीरी फरहाद की है, और दुनिया की कोई ताकत शीरी को फरहाद से जुदा नहीं कर सकती। शीरी मैं आ रहा हूँ, शीरी मैं आ रहा हूँ। शीरी, किसने मेरे खुदा का नाम लिया? मैं कहाँ ढूंढूं? कौन था तुम? मेरी दुनिया तारीख हो गई, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी शेरी जहाँ से चल बसी। पकड़ो मत बुढ़िया, यह गैर मुमकिन है। फरहाद के होते हुए शीरी कभी मर नहीं सकती, इससे पहले कि अजल शीरी को अपने आंचल में ले ले, मैं खुद मौत का गला घोंट लूंगा। मैं सच कहती हूँ, मेरी शीरी दुनिया में नहीं रही। बड़े की बातें न करो, शीरी की दुश्मन मालूम होती हूँ जो ऐसे मनहूस अल्फाज मुंह से निकाल रही। नहीं बेटा, मैं नामराज शीरी की नामराज आया हूँ। पर मैं तुझे अपने मलका बनाना चाहता था, मगर उसने फरहाद का नाम लेकर महल के चरोके से कूद के जान दे दी। हाय, मरते दम तक उसके मुँह से फरहाद का कलमा था। बेटा, फरहाद से न कहना, नहीं तो वो सच्चा आशिक भी साम्राज दुनिया से चला जाएगा। फरहाद का कलमा शीरी ने फरहाद की जान दे दी। शीरी, शीरी, सुना तूने? तूने सुना? मुझे छोड़ गई, मुझे तनहा छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तूने मेरा बहुत साथ दिया है ना, एक और एहसान मुझ पर नसीब पर कर दे, कयामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। मुझे भी वही पहुंचा दे जहां मेरी शीरी चली गई, मुझे भी वही पहुंचा दे। लावारिस नामराज की लाश को ले जाओ इन्हें और शादी की तैयारी करो। आलम पना, तुमने हमें जिंदगी बख्शी है समा, हमें शुक्रिया अदा करने दो। पाँव पकड़ कर दामन फैलाया है, क्या चाहती हो? वादा पूरा कीजिए। हम तैयार हैं, बोलो। लाल चाहती हूँ। बस लाल? वो लाल जिसे तहरानी जहाँ पलक उस परवेश के नाम से याद करते हैं। मतलब? ये मेरे दिल की मांग है।
रहने मुझे अपने बाथरूम में जगह देकर हरम में जगह दीजिए। बकवास बंद करो, जानती हो तुम किससे दिल लगी कर रही हो? मुझे नाम आराधना कीजिए मेरे आका, मैंने आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्षमा, हम अकील सही लेकिन इतने जलील नहीं है ये खुद का दरकाशा को अपनी बेगम बना रहे। जहाँ बना मुझे यूं न ठुकराइए, जहाँ बना मैंने आपके लिए शीरी को फरहाद से जुदा की, मैंने अपनी मोहब्बत के लिए बेगुनाह फरहाद की जान ली। बेगुनाह का खून हश्र में इंसाफ मांगेगा और जवाब तुम्हें देना होगा। मेरे आका, मेरे आका, मैं हश्र में जवाब दे दूंगी लेकिन इस वक्त आप मुझे जवाब न दें। तलवार पे न गिरो समा वरना कट जाओगी, दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। तुम्हारे कपड़ों पर लगे हुए बेगुनाह खून के धब्बे हमें डराते हैं। मेरे आका, चली जाओ वरना लाश बनाकर निकाली जाओगी। हाथ की कब्र को सजा रही शहजादी साहबा, खुशी के मौके पे आपको गम की बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर मरे हुए का गम, शहजादी साहबा, शहजादी साहबा, गम किस बात का और मरा कौन है? सुनो, सुनो, वो मुझे बुला रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ फरहाद। कहाँ शेरी? वो चली गई आलीजा। चली गई? कहाँ चली गई? वो कह रही थी कि फरहाद के पास जा रही है। सुन ले तू मेरी सदा, रो रो के मेरी मोहब्बत, तुझको पुकारे है आजा, आ जाओ जाने वफा, ना जाओ ना जाने।
शाह मोहब्बत को फना नहीं, शीरी और फरहाद की शक्ल में इश्क की पैदाइश हुई, इश्क मोहब्बत के झूले में परवान चढ़ा और अब देखिए मोहब्बत का घर जन्नत में। रहेगी बाकी